जी आज बड़ी प्यारी सी डॉल हमारे पास जैनब आई है, हैदराबाद से स्पेशल ट्रू टॉन का फेशियल कराने क्योंकि अभी रिसेंटली एक इनका इनके हस्बैंड का अकाउंट 20 मिलियन से ज्यादा उनके थे और वो बंद हो गया किसी वजुहत की वजह से और जैनब ने बड़ी टेंशन ली आप लोगों ने रोते हुए जैनब की वीडियोज भी देखी थी जैनब ने कुछ नहीं खाया पिया जैनब ने कोई फेस नहीं अपना सही तरीके से अपने केयर नहीं कर सकी और ये आई है आज हमारे सलोन पे और ट्रू टॉन का फेशियल लेने के लिए और

आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताते हैं हमारा सबसे पहले डुआ एक्शन क्लींजर है ये जितनी आपकी स्किन डेड होती है आपके डेड सेल को रिमूव करेगा आपकी स्किन को फ्रेश करेगा आपके ओपन पोर्स के लिए ये बहुत अच्छा है ये डीप क्लीन करेगा आपके अंदर तक जो दो सतहें होती हैं स्किन की और ये अंदर तक आपको डीप क्लिन करेंगे हम इसके साथ और इसके स्टेप हमारे लिखे हुए मेंशन भी हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है कि पहला स्टेप कौन सा है दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा हमारे छह स्टेप्स हैं इसके अंदर पहला हमारा जो है वो क्लेंजर है दूसरा हमारा स्क्रब है तीसरा हमारा मसाज क्रीम है चौथा हमारा मास्क है और हमारी स्किन पॉलिश है और हमारा ये वाला स्टेप टॉनर है ठीक है छह स्टेप्स हैं हमारे टोटल फेशियल के और ये टोटली हर्बल फेशियल है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी हम करते हैं स्टार्ट अभी आप देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हम लगाएंगे आपने जस्ट फिंगर्स के साथ एक होता है, है, है इस्तेमाल करेंगे जो होता है, उसके अंदर का नहीं करते। और आप देख लें कि इस इतनी क्वांटिटी आपने लगानी है एक फेस के ऊपर और अपनी फिंगर्स को आपने करके पानी के अंदर डिप करके फिर आपने पूरे फेस के ऊपर क्लीन करना है इसको और आपने सर्कुलर सर्कुल मोशन के अंदर आपने क्लिनजर करना है ऐसे नहीं है आपने रगड़ना नहीं है स्किन को क्योंकि ये बहुत जैनब की बड़ी सेंसिटिव स्किन है और बेबी स्किन है इनकी बहुत कम एज है तो आपने उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आपने जो है ना फेशियल के अपने स्टेप्स करने होते हैं अच्छा जी ये आपने पांच से दस मिनट जो है ना अपनी स्किन के ऊपर करना है हम जो के छोटे चोट छोटे क्लिप बना रहे हैं और आप लोगों ने इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है हल्के हाथों से आपके हाथों के ये वाले जो आपके आगे वाली ये जगह होती है नरम होती है सॉफ्ट होती है इसके साथ अपने सर्कुलेशन मोशन के अंदर आपने फेस को करना है अच्छा जैनब के फेस के ऊपर फ्रैकल्स भी हैं छोटे चोट छोटे पिंपल्स भी हैं और बहुत ज्यादा इनकी स्किन सेंसिटिव है। तो उसके लिए हमारा ये वाला जो क्लिनजर है ये बेस्ट मैं हंड्रेड परसेंट रिकमेंड करती हूँ ऐसी तमाम चेहरों के लिए जिनके पिंपल्स हैं जिनकी एक्नी है स्किन के ऊपर जिनके हैं है। उनके लिए बेस्ट है हमारी ये वाली ट्रीटमेंट अभी हम अपना डुआ एक्शन क्लींजर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है पांच से दस मिनट आपने इसको पूरे फेस के ऊपर सर्कुलेशन मोशन के अंदर करना है उसके बाद इसको रिमूव कर देना है अभी आपको इनकी देखें फ्रैकल्स नजर आ रही हैं ये इसके बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी कि आपकी फैकल्स कैसे रिमूव हो सकती हैं और ये बिल्कुल गायब गायबी हो जाएंगी सतह से नजर ही नहीं आएंगी आपकी फैकल और हमेशा आप ऐसी प्रोडक्ट का इंतख्या किया करें कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोई भी चीज इस्तेमाल करें चेहरा रेड हो जाता है तो वो हमेशा हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन करें हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ कोई आप लोगों को साइड इफेक्ट नहीं होता और रिजल्ट भी आपको हंड्रेड परसेंट मिलते बस जो हमारा स्टेप है वो स्किन पॉलिश है इसके पीछे हमारे देखें बैक के ऊपर स्टेप मेंशन है दूसरा स्टेप जो है हमारा स्किन पॉलिश का है स्किन पॉलिश क्या करेगी हमने इसके अंदर वाइट बीड्स का इस्तेमाल किया है हमने इसके अंदर वो जो आ, गोल्डन बीड्स होते हैं वो वाले इस्तेमाल नहीं किए इसलिए कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन सेंसिटिव है जिनके बहुत ज्यादा स्किन रेड हो जाती है कोई भी चीज लगाते हैं उनके लिए ये माइल्ड स्किन पॉलिश हम लोगों ने बनाई है इसको आपने दो से तीन मिनट पूरे फेस के ऊपर लगाना है सर्कुलेशन मोशन के अंदर और उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना लगाए बेटे भाई कट दूसरा हमारा जो स्टेप है ये स्किन पॉलिश है और इसको हमने स्पेचुला के साथ इस तो कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं दुनिया के किसी भी ब्रांड की आपने spatula का इस्तेमाल करना है आपने उंगलियां नहीं बीच में मारनी आपने हाथ नहीं मारने क्योंकि आपने बड़ा ये सेंसिटिव काम होता है स्किन का आपने बड़े एहतियात के साथ ये काम करना होता है ठीक है अब ये स्किन पॉलिश देख लें कि आपने पूरे फेस के ऊपर पहले लगानी है ड्रॉप्स में लगाओ बटे इस तरीके से आपने लगानी है और आपने लगा के इसको फिर पूरे इसके इस तरीके से आपने हाथ के साथ हल्की हल्की इस तरीके से कर देना है इसको पूरे फेस पे फैला देना है ये हमारा दूसरा स्टेप है इसको सिर्फ हम जैनब के फेस के ऊपर चूंकि बहुत बेबी स्किन है और इनकी बहुत ड्राई स्किन है और पिंपल्स भी हैं इनके और इनके फ्रैकल्स भी हैं तो हम सिर्फ एक मिनट या दो मिनट के लिए ये लगाएंगे फेस के ऊपर और फिर इसको हम रिमूव कर देंगे अच्छा एक मिनट हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं ये देखें ये हमारे पास ना वाइप्स हैं आपने अभी आपके पास अगर वाइप्स मिल जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के आप वाइप्स इस्तेमाल करें क्योंकि ये फिर आप डिस्पोजेबल होते हैं इसको आप फेंक देते हैं अगर आप स्पंज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक क्लाइंट के ऊपर आप यूज करें उसके बाद फेंक दें क्योंकि स्किन इतनी सेंसिटिव होती है जब आप पैसे पूरे चार्ज करते हैं आप पूरी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं तो आप फिर इन चीजों के ऊपर आके कंजूसी मत किया करें आप लाजमी इन चीजों का छोटे-छोटे चीजों का ध्यान रखना है। एक दफा आप अच्छा काम क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट बार-बार आपके पास आएगा। करो बेटे अभी हमारा ये है थर्ड स्टेप आप इसको देख सकते हैं इसके बैक पे भी लिखा है थर्ड स्टेप और क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि पहला कौन सा लगाएं दूसरा तीसरा अब हमारा ये तीसरा स्टेप है ये सक्रम है और ये क्या करेगा ये भी आपकी डेड स्किन रिमूव करेगा आपको एक महीने में फेशियल जरूर लेना चाहिए आपके व्हाइट हेड्स निकाल देगा आपके ब्लैक हेड्स रिमूव कर देगा आपकी जितनी डेड स्किन है सारी की सारी जो है ना वो स्क्रब निकाल देगा ठीक है इसको भी आपने दो से तीन मिनट फेस के ऊपर लगाना है जिनके स्किन के ऊपर सेंसिटिव है जिनके स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, जिनकी स्किन रेड होती है उनके ऊपर सिर्फ दो से तीन मिनट स्क्रबिंग करनी होती है ऐसा नहीं होता कि आप भर भर के चीजों की क्वांटिटी लगाएं तो रिजल्ट ज्यादा आएगा आपने एक हिसाब से क्वांटिटी लगानी है फेस के ऊपर और उसके ऊपर टाइमिंग भी आपने देखनी ये नहीं कि आप आधा घंटा रगड़ा लगाएंगे फिर क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट जो है ना इस प्रोडक्ट के अंदर है तो वो आपको दो मिनट के अगर टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसके ऊपर हर चीज की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने कितने मिनट किस स्किन के ऊपर यूज करना है तो आपने उतना ही टाइम लगाना है आपने ज्यादा रगड़े नहीं लगाने ये भी हम स्पेचुला की मदद से लगाएंगे और एक स्किन के ऊपर इतना जो है ना स्क्रब काफी होता है ठीक है इतना ही आपने लेना है और पूरे फेस के ऊपर आपने फैला के और पानी के साथ फिंगर्स को डिप करके तो पूरे फेस के ऊपर आपने सर्कुलेशन मोशन के साथ इसको आपने अपने हाथों की मूवमेंट को करना है। अच्छा जैनब आप बताएंगे आपको कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत रिलैक्स है ये फेशियल ऐसे इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है दिल कर रहा है कि मैं अब भी सो जाऊं आप सो जाए आपके सोते सोते हम फेशियल कंप्लीट करेंगे जी अभी हमारा ये स्टेप है और ये हमारा है ये आप एज ए मेकअप फिक्सर भी यूज कर सकते हैं आप वैसे भी आम रूटीन में अगर आपके ओपन पोर्स हैं आप आम रूटीन में डेली रूटीन के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं और इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ये बड़ी ठंडक आपको फील देता है और ये अब हमारा फोर्थ स्टेप है और हम इसको अब पूरे फेस के ऊपर जो है ये करेंगे अभी हमारा ये फाइव स्टेप है और ये हमारे मसाज क्रीम है और इससे आपको पता है कि आप जब भी रिलैक्स होना चाहते हैं फीमेल जब थक जाती हैं घर के सारे झंझट से फिर वो कहती हैं हम अपने मेनी क्योर पेडिक्योर कराए और सबसे जो बेहतरीन मुझे स्टेप लगता है पूरे फेशियल के अंदर वो मसाज है इससे बंदा बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है और इसके अंदर बड़े ही जबरदस्त किस्म के हमारी खुशबुएं हैं इन्ग्रीडियंट्स हैं और आपकी स्किन को अंदर तक ये मॉइस्चराइज करेगा ये भी इसी तरीके से इतनी क्वांटिटी में आपने लगाना है और जो हमने टोनर लगाया है फोर स्टेप उसके ऊपर ही हम इसको लगाएंगे पूरे फेस के ऊपर तो हमारा जो स्टेप है छह नंबर उसके अंदर देखें हमारा मास्क है और अब मैं बार बार आपको बता रही हूं कि जब आपको ये स्टेप वाइज आप फॉलो करेंगे तो आप 100 परसेंट फेशियल के रिजल्ट पाएंगे इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप लें आपको उसकी थ्योरी पता होना चाहिए कितने मिनट के लिए करना है कितने सेकंड के लिए करना है और कितना उसको रगड़ना है आपने फेस के ऊपर तो आपका फेशियल जो करने वाला बंदा होता है ना फिफ्टी उसने आपको रिजल्ट देना होता है और फिफ्टी आपको प्रोडक्ट ने रिजल्ट देना होता है फिर हंड्रेड आपको रिजल्ट मिलता है क्योंकि अगर कोई भी चीज आप गलत तरीके से लगाएंगे अगर उसको दबाना है आप दबाने के बजाय उसको रगड़ेंगे तो वो उल्टा आपको खराब कर देगी आपकी स्किन तो ये हमारा मास्क है इसको भी हम लेंगे और ये ठंडक देगा ये देखें इतना आप लेंगे और आपको इसको पूरे फेस के ऊपर आप फिंगर के साथ भी लगा सकते हैं आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं जिस तरीके से आप बिजी महसूस करें अभी आप देखें इनकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है और कितना मॉइस्चराइजर है इनकी स्किन के ऊपर और अभी हम इनके ऊपर मास्क एप्लीकेशन करने लगे हैं और मास्क के ये आपने पंद्रह मिनट मास्क लगाना है पंद्रह मिनट के बाद आपने इसको रिमूव करना और आपने पंद्रह मिनट के बाद जो है ना मास्क रिमूव कर देना अभी हम जो है वो चूंकि इनको एक्नी है इनके स्किन के ऊपर फ्रैकल्स हैं तो हमारा विटामिन सी सीरम बेस्ट सीरम है आपने आफ्टर फेशियल चूंकि अंदर तक तक आपकी डबल हो हो गई फेस अंदर तक नीट हो गया, अंदर नीट गया वाली तय जो है आपको नजर नहीं आ रही होती बजहिर वो, वो भी नीट हो गई फेशियल कराने का मकसद परपज ये होता है कि आप रिलैक्स होते हैं आपको सुकून आता है आपकी स्किन जो है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करती है उसके बाद चूंकि अब डस्ट से बिल्कुल सारी चीजें गई, उतर, उतर गई मेकअप उतर गया डस्ट उतर गई डेड स्किन उतर गई तो ये आपने लास्ट पे अपने क्लाइंट को विटामिन सी जो है 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 वो सीरम रिकमेंड करना है, जिनके है, जिनके हैं उनके लिए ये बेस्ट सीरम है इसके हम एक से दो ड्रॉप जो है वो लगा के फेस के ऊपर तो पूरे फेस के ऊपर लगा देंगे और फिर हम क्लाइंट को कहेंगे कि आपने जाके कम अज कम जो है बारह घंटे फेस जो है साबुन इस्तेमाल नहीं करना फेशियल के बाद 12 घंटे आप कोई भी आ, आप फेस वॉश ना इस्तेमाल करें कोई सोप ना इस्तेमाल करें किसी किस्म का ये नहीं कि कोई आपने साबुन इस्तेमाल नहीं करना आपने जस्ट अगर आपको फीलिंग होती है कि आपका फेस धोने वाला है तो आप उसको सादे पानी के साथ वॉश करें अभी हम इनको लगाएंगे सीरम एक से दो ड्रॉप और पूरे स्किन के ऊपर लगा के हम फैला देंगे ये देखें हम इस तरीके से जहां पे इनके फ्रैकल हैं ये और ये ये हम लगा के पूरे फेस के ऊपर बैठे फैला दो और हम आराम से पूरे फेस के ऊपर इनके इस तरीके से जजब कर देंगे अंदर हल्के हाथों के साथ रगड़ना बिल्कुल नहीं है आपने और ये जितने आपकी ये आपके एक्नी हैं जितने आपके फ्रैकल्स हैं ये अगर 12 घंटे फेस वॉश नहीं करेंगी और सीरम को लगा रहने देंगी उसके बाद जब आप वॉश करेंगी तो ये आपको ऐसे स्मूथ आपकी स्किन कर देगा मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन होगी आपको पता है आपकी कितनी भी स्किन आपकी ड्राई हो जब आप विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन खूब ऐसे लगता है कि पानी के साथ हेल्दी है स्किन आपकी बहुत अच्छी हो गई है मॉइस्चराइजर आ गया है वैसे भी कोई भी स्किन ड्राई जो है ना वो वैसे ही बड़ी रफ लगती है जितना आप अपनी कोई भी एज है आपकी आप जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर रखेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी चमकेगी चम चम करेगी अभी खुद जैनब आपको बताएंगे कि उनको कैसा रिजल्ट मिला जैन आपको सिर्फ हमने एक फेशियल अभी दिया है तो माशाल्लाह इतना ग्लो कर रही है आपकी स्किन माशाल्लाह और आपकी चमक रही है आपने मैं अब आपको होम केयर ट्रीटमेंट बताऊंगी आपने उसको लाजमी यूज करना है चलिए चेक करें जरा रिजल्ट करें इस मिरर में चेक अपना वाओ ये तो बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है पहले मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल थी आपने तो इतना मुझे वाइट कर दिया है कसम से आपकी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सारा ट्रू टोन का कमाल है हां थैंक यू सो मच आप अभी मुझे मिली पहले क्यों नहीं मिली मुझे बा... थैंक यू सो मच ट्रू टोन आपने मुझे इतना प्यारा कर दिया थैंक यू सो मच